Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video. देश के हित में कार्य करने के लिए सलूट तिरंगा के माध्यम से लोगों को जोड़ा जा रहा है। मैं आदर्श श्रीवास्तव सलूट तिरंगा का महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष हूं। मैं यहां पे नवी मुंबई बीजेपी से भी जुड़ा हुआ हूं, जिसमें मैं मीडिया का पूरा देखता हूं, सोशल मीडिया और मीडिया। इसमें मैं यहां पे नवी मुंबई का अध्यक्ष हूं, मीडिया प्रेसिडेंट। हाँ, ये सलूट तिरंगा में मुझे जुड़े कुछ महीने हो गए हैं और मुझे यहाँ पे महाराष्ट्र अध्यक्ष बनाया गया था। इसके जो मेन अध्यक्ष हैं राजेश झा जी, ये दिल्ली में बैठते हैं और हमारे भारतीय जनता पार्टी के किसान विकास मोर्चा से के प्रवक्ता भी हैं। और हमारे जैसे मोदी जी काम कर रहे हैं अपने देश के लिए, वैसे ही राजेश झा जी भी काम कर रहे हैं। पूरे देश में करीब 18 राज्यों में ये सलूट तिरंगा का काम बहुत अच्छी तरह से चालू हो गया है। महाराष्ट्र में भी चालू हुआ है, हम उसी को और अपना विस्तार जो है लोगों को जोड़ रहे हैं, उसमें बैठा रहे हैं। अपने जो काम है, जैसे मोदी जी के का स्वच्छ भारत हो गया, बेटी बचाओ से रिलेटेड वर्क हो गया, ये सब काम हम अपने ये सलूट तिरंगा में भी कोशिश कर रहे हैं जोड़ने के लिए। बेसिकली ये जो सलूट तिरंगा स्टार्ट हुआ था, उसमें हम लोगों ने स्टार्ट सोचा था कि सिर्फ नेवी और आर्मी और जो अपने देश के रक्षा करने वाले लोग हैं उन तक ही सीमित रहेगा। बट ये आगे आकर के अभी हमारे कुछ लोगों ने कुछ महीने दो महीने पहले ही हमारे ट्रैफिक जो हवलदार लोग हैं उनके लिए भी काफ़ी अच्छा काम किया है। एक पुलिस स्टेशन में जाकर के, थाने पुलिस स्टेशन में जाकर के उनको भी अप्रिसिएशन दिया है। तो हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारे देश के लिए जो भी लोग कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं अपना टाइम या जो सेवाएँ प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको हम लोग आगे प्रचार कर सकें उसका। उनको अगर हम उनका कुछ अप्रिसिएशन देंगे तो वो और अच्छी तरह से काम करेंगे। और इसी वजह से आज हमने अपने टीम की मीटिंग्स रखी थी। उस मीटिंग में हमारे कुछ लोग आए, कुछ लोग जो है बाहर चले गए थे, नहीं आ पाए, बट फिर भी हमने यहाँ पे कुछ नए युवा लोगों को जोड़ा है। आज हमारे पास जैसे पहले हमने नवी मुंबई अध्यक्ष, थाने अध्यक्ष, मुंबई अध्यक्ष बनाया था, ऐसे ही आज हमने रायगढ़ का अध्यक्ष बनाया है, महिला अध्यक्ष बनाया है अलका सिंह जी को। और चाहत सिंह हैं, उनको हमने दिया है महाराष्ट्र यूथ प्रेसिडेंट का, बिकॉज वो हमारे इंडिया को एक ग्लोबल प्रेजेंट है जिसमें पूरा इंडिया रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो कुछ महीनों बाद उनका एक इंडिया रिप्रेजेंट है, आज हमने उनको यूथ प्रेसिडेंट बनाया है महाराष्ट्र का। दृष्टि सिंह है, उनको हमने रायगढ़ का यूथ प्रेसिडेंट बनाया हुआ है। ऐसे ही हमारे सेजल है, प्रथमेश है, ये लोगों को थाने का काम दिया हुआ है। एक देवड़िया करके है, वो अपना क्रिएटिव का काम कर रही है। तो आज जो मीटिंग हुआ है उससे हमें लगता है कि आने वाले टाइम में और भी लोग जुड़ेंगे और हमारे देश में अपना को और अच्छी तरह से काम करने के लिए, अपने समाज में काम करने के लिए आने वाले टाइम में जुड़ेंगे और लोग। स्पेशली नीरज झा जी हमारे पास आए थे, उनको हम बहुत धन्यवाद देते हैं। वो स्पेशली का काम सैल्यूट तिरंगा का महाराष्ट्र का जो वर्क हो रहा है उसमें अपना टाइम कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, देख रहे हैं, प्रभारी हैं। तो हम उनको काफ़ी अपने दिल से धन्यवाद देते हैं कि वो समय अपना निकाल करके हमारे पास आए, अपनी मीटिंग में शामिल हुए, काफ़ी अच्छा लगा। जो भी आर्मी और सोशल वर्क जो कर सकते हैं फॉर आवर कंट्री एंड स्पेसिफिकली गेट यूथ टू इट एंड बी टू बेटर फॉर द कंट्री। थोड़े बहुत सोशल प्रोजेक्ट्स किए हैं कॉलेज के थ्रू एंड एवरीथिंग, कम्युनिटी कनेक्ट के रिलेटेड। तो कितना इम्पोर्टेंट लगता है आपको ऐसे काम करना? काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यूथ काफ़ी सारा चेंज एंड इम्पैक्ट ला सकता है इन पीपल एंड माइंडसेट। मेरा नाम चाहत सिंह है, यूथ प्रेसिडेंट ऑफ महाराष्ट्र फीमेल का पोस्ट दिया गया है एंड इस पोस्ट को मैं जितना प्रिसाइजली यूज़ कर पाऊँगी उतना बेटर रहेगा फॉर द यूथ। एंड क्योंकि यूथ ऑफकोर्स काफ़ी इम्पैक्ट ला सकता है, काफ़ी एनर्जेटिक होता है, बट होश में जोश खोने वाली बातें ना हो, इसका मैं ध्यान रखूँगी। मेरा नाम दृष्टि सिंह है, बहुत दिल से काम करूंगी और कोशिश करूंगी कि रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के हर हर कोने में जाके काम करूं और सबको हेल्प करूं। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि पूरा रायगढ़ है और रायगढ़ छोटा नहीं है और बहुत और मतलब इसको इस काम को करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, जो करने के लिए मैं तैयार हूँ। मेरा नाम अलका सिंह, ये सल्यूट तिरंगा का एक तो हिस्सा बनना मेरे लिए बहुत सौभाग्यशाली रहा है। आज दिन ही बहुत अच्छा है जो मैं इसका हिस्सा बन गई और बहुत ज़्यादा कोशिश रहेगी कि मैं इन सब अपने साथियों के इक्वली आ जाऊं बहुत जल्दी, क्योंकि ये मेरा पहली ज्वाइनिंग है।
सैल्यूट तिरंगा एक एनजीओ तो है ही, उसके साथ जितने भी हमारे सिक्योरिटीज हैं, हमारे जितने भी इस तरह के डिपार्टमेंट्स हैं, उनके परिवारों के लिए या उनमें से कितने हैं जो कुर्बानी दे चुके हैं, उन लोगों के लिए कभी कुछ ध्यान ही नहीं जाता, सरकार का भी नहीं जाता है, तो कोशिश करेंगे कि हम उनको कुछ तो खुशी दे पाएं और उनके भले में कुछ कर सकें। कितना इम्पोर्टेंट। मेरा नाम प्रथमेश यादव है, मैं एक एमबीए स्टूडेंट हूँ। सल्यूट तिरंगा, पहले तो मैं सबसे पहले हमारे महाराष्ट्र प्रेसिडेंट आदर्श सर को थैंक्स बोलना चाहूँगा कि मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी है यूथ प्रेसिडेंट थाने रीजन का बनने के लिए, सो थैंक यू सो मच। और मेरे थाने रीजन के प्रेसिडेंट भी नीति मैम, थैंक यू सो मच। सल्यूट तिरंगा बेसिकली एक एनजीओ है जो राष्ट्रीय भावना को स्थापित करने के लिए या बढ़ावा देने के लिए काम करता है। उसी के साथ साथ हमारे जितने भी यूनिफॉर्म्ड ऑफिसर्स या पर्सनल रहते हैं इंडिया में, उनकी भलाई के लिए या उनके लिए कुछ काम करने के लिए ये एक हमारा एनजीओ है। मेरा नाम सेजल वत्स है। स्कूल से ही और बचपन से ही मेरी मम्मा इस चीज़ में हमें हमेशा सिखाती आई है कि आपको इंडिया से इतना कुछ मिल रहा है, यू आर गेटिंग ऑल द रिसोर्सेज, बट व्हाट अबाउट व्हेन इट कम्स टू यू गिविंग बैक टू द नेशन। और बचपन से ही बहुत रिस्पेक्ट रहा है आर्मी नेवी एयरफोर्स के लिए। और जब मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि सल्यूट तिरंगा एनजीओ जो एक्चुअली यूनिफॉर्म डिफेंस पर्सनल के लिए काम करता है, तो मैंने बिना सोचे एकदम ही हाँ बोल दिया। मेरा नाम नीरज कुमार जय, मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ सल्यूट तिरंगा महाराष्ट्र रीजन का। देखो, इंडिया जो देश है ना, जिस तरीके से बढ़ रहा है ना, हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है यूथ की। और मुझे बहुत खुशी है इन सारे यूथ्स को देख के कि ये बच्चे इतने आज के डेट में, इनको इतना उत्साह है, इतना तमन्ना है देश के लिए कुछ करने का। आज के डेट में हम अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाते, अपने परिवार वालों के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे, उनमें ये बच्चे खुद से आगे आ रहे, आना चाह रहे हैं कि देश के लिए कुछ करने के लिए। तो मुझे, मैं बता नहीं सकता कितनी खुशी है। और जिस हिसाब से इन्होंने पूरा प्रोग्राम बनाया, जिस हिसाब से ये प्लान कर रहे हैं, एक एक पुलिस वालों को, ट्रैफिक वालों के, गरीब बच्चों का शिक्षा के लिए, तो ये सही में बहुत काबिले तारीफ है। और मुझे बहुत खुशी हो रही है इस संस्था से जुड़ के और ऐसे सारे उत्साही बच्चों को अपने साथ ज्वाइन करवा के। अंशुल शर्मा मेरा नाम है। देखिए, यूथ तो हमेशा ही हर जगह की एनर्जी रहा है, और जो भारत है, जो हमारा इंडियन नेशन है, इसको हमेशा एक यंगेस्ट कंट्री बोला जाता है, क्योंकि जो हमारे यहाँ का यूथ है वो इतना एनर्जेटिक है। और इफ़ यू सी दी कंपनीज आर ऑल्सो यू नो बीन नोन बाय दी एज ऑफ देयर एम्प्लॉयज। सो यूथ डेफिनेटली इनको जो जोड़ना है, उसका एक ही रीज़न है कि हमारे यहाँ एनर्जी जुड़े और जो काम करने का जज्बा है वो बढ़े, मल्टी फोल्ड्स हो जाए। मेरा नाम मालती सोनी है। मैं नवी मुंबई में महिलाओं के लिए प्रेसिडेंट बनाए आदर्श जी ने मुझे, और मैं इससे जुड़ने के लिए मैं गर्व करती हूँ, क्योंकि मैं अपने देश से बहुत प्यार करती हूँ। और मुझे जब आदर्श जी ने बोला कि आप सल्यूट तिरंगा में काम करेंगे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं अपने देश से प्यार करती हूँ करके इसमें जुड़ना मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं चाहूँगी कि अगर सब लोग ऐसा जुड़े तो अच्छा रहेगा, लेकिन मन के भाव से जुड़े। नमस्कार, मैं नीति शर्मा, थाने अध्यक्ष सल्यूट तिरंगा की। जो भाव मेरे अंदर राष्ट्रभक्ति के लिए है या राष्ट्रीय भक्ति के लिए है, वो उजागर मैं शायद थोड़ा सा गाना गा के करूँगी। ए वतन मेरे, वतन आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। ए वतन मेरे वतन, ए वतन मेरे वतन, डजंट मैटर, मैं जहाँ पे भी रहूँ, शब्दों का वैल्यू समझिएगा, मैं जहाँ पर भी रहूँ, मैं नीति शर्मा इस देश की वासी, चाहे वो इंडिया हो, अमेरिका हो, दुबई हो, कहीं पे भी हो, मेरे साथ मेरा देश हो, मेरी वैल्यूज़ हो, मेरी संस्कृति हो, मेरी धरोहर हो, और मैं उसे जहाँ तक ले जा सकूँ वो लेकर जाऊँ। थैंक यू। Hey there, subscribe to my channel and also press this bell icon so you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you